दीपावली के शुभ अवसर पर हम आप सभी भक्तजनों को श्री गणेश और माता लक्ष्मी के पूजन का महत्व बताएंगे। वैसे तो दीपावली का पर्व आदिकाल से ही मनाया जा रहा है, किंतु सतयुग में अधिकतर धर्मपरायण ही लोग थे। त्रेतायुग में भी श्री राम राज्य था, जिसमें ऋषि मुनियों और दानी धर्मात्माओं की अधिकता रही है। इसी प्रकार द्वापर युग में भी धर्मपरायण लोग ही हुए, परंतु कलयुग में धर्म का महत्व बहुत ही कम हो गया। लेकिन कलयुग में सतयुग, द्वापर और त्रेता युग के जैसे हजारों वर्ष तपस्या करने की जरूरत नहीं है। यदि सच्ची मन से थोड़े समय के लिए ही किसी देवता या ईश्वर का नाम लिया जाता है तो उसका बड़ा ही उत्तम फल प्राप्त होता है भक्तों। दीपावली का ये त्यौहार भी श्री गणेश और माता लक्ष्मी के पूजन का दिन माना जाता है। अतः हम आज माता लक्ष्मी और श्री गणेश के पूजन का महत्व वर्णन करेंगे। मानव की आयु केवल 100 वर्षों की है। इन्हीं 100 वर्षों में मानव को अपने सब कर्तव्य पूरे करने होते हैं। अतः मानव जीवन को 4 आश्रमों में विभाजित कर दिया गया है। पहला आश्रम ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा संन्यास आश्रम है। ब्रह्मचर्य आश्रम में मानव को ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अपनी शिक्षा पूरी करनी होती है। गृहस्थ आश्रम में अपने वंश को चलाना और उनका पालन पोषण करने की जिम्मेदारी होती है भक्तों। वानप्रस्थ आश्रम में घर की देखरेख और बच्चों को सही राह दिखलाने की जिम्मेदारी है, तथा वृद्धाश्रम में सब चीज़ों का मोह त्याग कर ईश्वर की भक्ति में लगाने की होती है भक्तों।
भक्तजनों, जिस प्रकार सतयुग में ऋषि मुनि हजारों वर्षों तक तपस्या करते थे, इसी प्रकार त्रेता और द्वापर में भी वर्णन मिलता है। किंतु कलयुग में मानव की आयु सीमा कम होने के कारण यदि सच्ची श्रद्धा और भाव व विधि विधान से किसी भी देवी देवता का पूजन बड़ा ही फलदायी है। विशेष तौर से दीपावली के अवसर पर माता लक्ष्मी और गणेश जी के पूजन का विधान है। माता लक्ष्मी और गणेश जी की विधि पूर्वक पूजा करने से कुछ ही दिनों में सुख और समृद्धि का घर में निवास होता है। माता लक्ष्मी को धन की देवी माना गया है भक्तों। अतः एक रेड़ी वाले से लेकर अडानी अंबानी तक माता लक्ष्मी का पूजन करते हैं भक्तों। जनों, हमारे शास्त्रों में हर एक दिन का एक अलग ही महत्व माना जाता है। वर्ष भर में अनेकों अनेक त्योहार आते हैं, किंतु दिवाली का पर्व हिंदू धर्म का सबसे बड़ा त्योहार है। कहते हैं कि दिवाली पर्व की शुरुआत तो राधा अष्टमी से ही हो जाती है। इसके पश्चात श्राद्ध पक्ष, फिर माता के नवरात्रे, उसके बाद विजयादशमी और फिर दिवाली का त्यौहार आ जाता है। दीपावली पर माता लक्ष्मी के आगमन की खुशी में लोग घरों में दीप जलाते हैं, किंतु आजकल लड़ियां लगाने का प्रचलन अधिक हो गया है। पर जो भी हो, कहते हैं दीपावली पर घर में पूजा करने से माँ लक्ष्मी का आगमन होता है भक्तों। दीपावली के त्यौहार के बहाने लाखों ही लोगों का रोजगार चलता है, जिससे उनकी आय में वृद्धि होती है और धन को ही माँ लक्ष्मी का रूप माना गया है। जनों, कहते हैं माँ लक्ष्मी जब घर में आती हैं
तो धन की वृद्धि हो जाती है। दीपावली के इस त्योहार पर चाहे दुकानदार हो, कुम्हार हो या मिठाई वाला हो, दूध वाला हो, डब्बे बनाने की फैक्ट्री और आवागमन के लिए रिक्शा वालों तक का रोजगार बढ़ जाता है। जब रोजगार बढ़ता है तो धन में वृद्धि होना निश्चित है। माता लक्ष्मी इसी प्रकार तो कृपा करती हैं। जो माता लक्ष्मी और गणेश जी का पूजन जितनी विधि पूर्वक और सच्चे मन से करते हैं, उन लोगों के रोजगार में उतनी ही वृद्धि होती है। दीपावली हो या धनतेरस, अपनी अपनी आर्थिक स्थिति के हिसाब से सब लोग कुछ ना कुछ नया खरीदने में विश्वास रखते हैं। धनी लोग जहाँ हीरे मोती और सोना चांदी यो महंगी गाड़ियाँ खरीदते हैं, वहीं मध्यम वर्गीय लोग भी आभूषण और मध्यम रेंज की गाड़ियाँ लेते हैं। कुछ साधारण परिवार बर्तन इत्यादि लेकर ही दिवाली मनाते हैं। दीपावली और धनतेरस पर नई चीज़ों को खरीदने की परंपरा तो आदिकाल से ही चली आ रही है। युग बदलने के साथ साथ मानव संसाधनों में भी वृद्धि हो रही है। जब हम नई गाड़ियाँ लाते हैं तो ऑटो सेक्टर वालों की तो दिवाली अपने आप ही मन जाती है। इसी प्रकार जब नए गहने लाते हैं तो ज्वेलर्स की भी दिवाली मन जाती है। कुछ भी हो, दिवाली पर सबके ही रोजगार में वृद्धि होती है। भक्तों, दिवाली पर साधारण घरों के लोग नए बर्तन आदि लाते हैं, जो कि प्राचीन परंपरा है, क्योंकि इसी दिन भगवान धन्वंतरी अपने हाथ में कलश लेकर आए थे, जो कि सागर मंथन से उत्पन्न हुए 14 रत्नों में से एक है। भक्तों,
दीपावली के पावन अवसर पर श्री गणेश और लक्ष्मी का पूजन करने के लिए जो सामग्री आती है, तो पंसारी लोगों का भी व्यापार तो बढ़ता ही है। चाहे हवन सामग्री ही ले लो, छोटे व्यापारी से लेकर बड़े व्यापारी तक सबका ही व्यापार बढ़ता है भक्तों, और माता लक्ष्मी उन पर कृपा करती हैं। भक्तजनों, इस कलयुग में तो थोड़ी सी ही देर में ही अगर सच्चे मन से किसी भी देवी देवता की आराधना की जाए तो वो प्रसन्न हो जाते हैं। कलयुग में साक्षात दर्शन तो हो नहीं पाते, लेकिन किसी न किसी बहाने उनकी कृपा अवश्य ही बरसती है। भाग दौड़ के युग में शांत चित्त होकर भक्ति करने का समय भी बहुत ही कम लोगों के पास है। ये कटु सत्य है भक्तों, किंतु हम लोग भजनों, कथाओं और अमृत वाणियों के माध्यम से देवी देवताओं की आराधना सुनकर भी पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। दीपावली के पावन अवसर पर हमने माता लक्ष्मी और श्री गणेश के पूजन का जो वर्णन किया है, उसको भी आप अपने घर में, गाड़ी में या मंदिर में लगाकर सत्संग सुनने का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। प्रभु का नाम तो कभी भी लिया जाए या सुना जाए वो परम सुखदायी होता है। अतः आप माता लक्ष्मी और दीपावली की वंदना को बार बार सुने और पुण्य प्राप्त करें। सुनाते हैं